दुनिया में बर्फ के तोदे पिघलने लगे। सबसे बड़ा बर्फ का जो तोदा है ना वो है एंटार्क्टिका में, कुतुब जुनूबी में, और उसके बाद ये हिमालय और कोहिनूर आक्रम, ये जो पाकिस्तान का पूरा पहाड़ी सिलसिला, यहां बर्फ पिघल रही है। बर्फ के पिघलने से सैलाब आते हैं जो पाकिस्तान में आया, क्योंकि इंसानों ने दुनिया के अंदर पोल्यूशन बढ़ा दी है, इंसानों ने दुनिया के अंदर आबो हवा को आलूदा कर दिया। सबसे ज्यादा चीन, हिंदुस्तान, अमेरिका, यूरोप, इनके पास फैक्ट्रियां ज्यादा हैं, ये कर रहे हैं आलूदा, और सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले मुल्कों के अंदर पाकिस्तान भी होगा। इंडोनेशिया दुनिया का चौथी बड़ी आबादी है, इंडोनेशिया मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी, पहला चीन, हिंदुस्तान, अमेरिका, फिर इंडोनेशिया आबादी के लिहाज से। इंडोनेशिया का जकार्ता दारुल खिलाफा है। 2024 में जकार्ता खत्म हो रहा है और नया कैपिटल बन गया जिसको तामीर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जकार्ता पानी के नीचे चला जाएगा, दुनिया के बहुत से ममालिक, क्यों, बर्फ पिघलेगी तो समंदर की सतह बढ़ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। जिन शहरों को सबसे ज्यादा मुतासिर जो होंगे उनमें से कराची भी है, और बड़े बड़े साइंसदानों ने लिखा है कराची के लिए, हमें समझ नहीं आता कि यहां सुनामी क्यों नहीं आती, यहां तूफान क्यों नहीं आते, सारे समंदरों की सुनामियां कराची की तरफ आते हुए पलट जाती हैं, दाएं बाएं हो जाती हैं, उन्हें क्या पता यहां अब्दुल्ला शाह गाजी हैं।